दोस्तों अगर आप भी अपने मोबाइल फोन में कॉलर ट्यून को सेट करना चाहते हैं लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं पता है कि कॉलर ट्यून को सेट कैसे करते हैं। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर प्ले स्टोर पर आते हैं, अगर आपके पास एक जियो का सिम है तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए यहाँ पर जियो सावन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर आप कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ट्यून होता है वो सेट नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आपके भी मोबाइल फोन में जियो सावन से कॉलर ट्यून सेट नहीं हो रहा है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से बिल्कुल फ्री में जितने चाहें और जिस भी गाने को चाहें उस गाने को आप बिल्कुल फ्री में कॉलर ट्यून सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप लोग यही गलती करते हैं कि आप लोग क्या करते हैं कि अपने मोबाइल फोन में कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए जियो सावन की इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपल सा जो यहाँ से बैक आ जाना है और आपको जो है अपने मोबाइल फोन में मैसेज को ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर मैसेज पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है 5, 6, 7, 8 और 9। इतना लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इंटर मैसेज पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कैपिटल लेटर में लिखना है JT, ठीक है। इतना लिख करके दोस्तों यहाँ पर आपको सेंड कर देना और इसको यहाँ से अलाउ कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो है यहाँ पर एक मैसेज आएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है टू सर्च फॉर अ सॉन्ग ऑफ मैनेज योर जियो ट्यून्स अकाउंट। मतलब अब यहाँ पर दोस्तों जैसे आपके पास ये मैसेज रिसीव हो जाए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जिस भी सॉन्ग को अपने कॉलर ट्यून में लगाना है उस सॉन्ग के नेम को या फिर दोस्तों उसका जो सिंगर है उसके नेम को यहाँ पर इंटर कर देना है। मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पर कोई सॉन्ग का नेम डाल देता हूँ, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि कोई सा भी एक सॉन्ग का नेम जो है डाल देता हूँ। मैं डाल देता हूँ कभी जो बादल बरसे, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कभी जो बादल बरसे। इतना लिख करके दोस्तों आपको यहाँ पर सेंड कर देना है। आपको दोस्तों उसी सॉन्ग का नेम डालना है जिसको आप अपने कॉलर ट्यून में सेट करना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं जो है इस नेम को यहाँ पर लिख करके सेंड कर देता हूँ, उसके बाद अलाउ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक फिर से मैसेज आएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्ट में, यहाँ पर आपको 10 नंबर में 10 सॉन्ग दिख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे सॉन्ग देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से दोस्तों आप लोग देख लेना कि आपका कौन सा सॉन्ग है, क्योंकि दोस्तों मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल कभी जो बादल बरसे, अब इससे दोस्तों जितने भी रिलेट करते होंगे सॉन्ग वो सभी सॉन्ग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको जिस भी सॉन्ग को अपने कॉलर ट्यून में सेट करना है उस यहाँ पर उस सॉन्ग को यहाँ से कर लेना है सिलेक्ट। तो मान लीजिए दोस्तों मैं जो है यहाँ पर लगाना चाहता हूँ नंबर 1 को या फिर नंबर 2 को, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपल से जो है 2 पर लिख करके यहाँ पर सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद दोस्तों यहाँ से फिर से इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फिर से आपके पास एक मैसेज आ गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 पर क्लिक करके यहाँ से इसको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से अलाउ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वाई लिख करके आपको सेंड करने का ऑप्शन फिर से आ जाएगा। तो इतना सब करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे कि आपके पास एक और मैसेज आएगा, तो उसको सिंपल सा जो है यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में वाई टाइप कर देना है और इसको यहाँ से सेंड कर देना है। जैसे सेंड करेंगे दोस्तों आपका जो कॉलर ट्यून होगा वो आपके मोबाइल फोन में लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करना है, अगर आपके पास कोई दूसरा फोन है या फिर घर में किसी के पास दूसरा फोन है तो आप उस फोन को लेना और सिंपल सा जो है अपने नंबर को डायल करके उस पर कॉल करना। उसके बाद दोस्तों आप लोग जो है उसमें जो भी कॉलर ट्यून को सेट किए होंगे वो आपको वहां पर सुनाई दे देगा, तो आप लोग वहां पर सुन लेना। अगर आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम दिखती है, अगर दोस्तों वहां पर आपका जो है मनपसंद सॉन्ग नहीं आता है, तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको जो 10 नंबर में सॉन्ग दिख रहे हैं तो यहां पर आपको बारी बारी से चेक कर लेना है कि आपका कौन सा सॉन्ग है, क्योंकि दोस्तों यहां पर फीमेल वर्जन में भी है, रिमिक्सिंग में भी है और बहुत सारे सॉन्ग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हो सकता है दोस्तों आपका जो सॉन्ग 4th, 5th, 6th नंबर पर हो, तो इस तरीके दोस्तों आप एक एक करके बारी बारी से चेक कर लेना, उसके बाद जो है आपका जो सॉन्ग है उसको सेट कर लेना। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने जियो के सिम में कॉलर ट्यून को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल पर ही बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।